सो गाइस आज के इस वीडियो अंदर मैं बात करने वाले अपने एडवांस सर्वर के बारे में। जैसे गाइस आप लोगों को पता है आज हम लोग का 5 तारीख और आज के दिन हम लोग का एडवांस सर्वर डाउनलोड होने वाला था, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम पे जैसे आप लोग एडवांस सर्वर को डाउनलोड करने के लिए जाते हो तो एडवांस सर्वर आपके फोन के अंदर डाउनलोड नहीं हो रहा है। कुछ इस टाइप से गाइस आप लोगों के सामने एरर देखो मिल जाता है और ये जो डाउनलोड का बटन ये काम भी नहीं करता। इस पर क्लिक करो कितना बार भी ये काम नहीं कर रहा है। लेकिन आप लोग यहाँ पे डेट देखो तो आज का ही डेट दिया हुआ है कि 5 तारीख को एडवांस सर्वर डाउनलोड होगा, लेकिन आप लोग जैसे डाउनलोड करने के लिए जाते हो तो डाउनलोड नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आपके फोन के अंदर एडवांस सर्वर डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, डाउनलोड नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कैसे आप अपने फोन के अंदर एडवांस सर्वर को डाउनलोड कर पाओगे, कैसे ओपन कर पाओगे, ये सब कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो अंदर बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। लेकिन उससे पहले इतने बड़े चैनल पर न्यू पहली बार हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो गाइस देखो यहाँ पे मैंने एक ट्रिक लगाया, ट्रिक लगाने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे डाउनलोड का जो ऑप्शन होता है वो मिल चुका है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेरे फोन के अंदर यहाँ पे एडवांस सर्वर डाउनलोड भी हो गया। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे मैंने इंस्टॉल भी कर लिया है जो कि आप लोग इसमें देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लाइव प्रूफ स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे मैंने अपने फोन के अंदर एडवांस सर्वर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रखा है जो कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो, और इसको मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो हम लोग का एडवांस सर्वर इजिली यहाँ पे ओपन भी हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी अपने फोन के अंदर एडवांस सर्वर कैसे डाउनलोड कर पाओगे, कैसे ओपन कर पाओगे, ये सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो कैसे भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। जो स्टेप बताऊंगा उसको ध्यान से देख के ध्यान से फॉलो करना, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो ये एडवांस सर्वर हम लोग का रियल एडवांस सर्वर है और यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर आपको सब कुछ यहाँ पे देखो मिल जाता है, ठीक है। और हम लोग का न्यू एडवांस सर्वर है भाई लोग, आप लोग स्क्रीन पे पूरा देख सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं एडवांस सर्वर को अपने फोन के अंदर कैसे आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। तो देखो अभी के टाइम पे अगर आप लोग क्रोम ब्राउजर के अंदर जाते हो, जैसे क्रोम ब्राउजर को मैं ओपन किया, ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देखो एडवांस सर्वर डाउनलोड नहीं हो रहा आपके फोन के अंदर, ठीक है। कुछ स्टेप से 5 तारीख दिखा रहा है, एक महीना भी दिखा रहा है, 2024 दिखा रहा है और डाउनलोड का जो ऑप्शन ये काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे कितना बार भी क्लिक करता हूँ तो आपके फोन के अंदर डाउनलोड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एडवांस सर्वर आपके फोन के अंदर डाउनलोड कैसे होगा, ठीक है। तो देखो एडवांस सर्वर को डाउनलोड करने के लिए आप लोग क्या करो, सबसे पहले गाइस आप लोग यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करो, ठीक है। यहाँ पे सर्च करो गेम कंसोल, क्या सर्च करना है, गेम कंसोल, ठीक है। जिस टाइप से मैं लिख के सर्च कर रहा हूँ सेम आपको इसी टाइप से लिख के सर्च कर लेना है, ठीक है। अगर आपको गेम कंसोल का वेबसाइट नहीं मिलता तो वीडियो कमेंट बॉक्स के अंदर मैं वेबसाइट का लिंक दूंगा, तो वेबसाइट पर क्लिक करके आप लोग इस वेबसाइट के अंदर आ जाना, ठीक है। वेबसाइट को यहाँ पे जिस टाइप से ओपन कर रहा हूँ इस टाइप से आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप से फेस आएगा, ऊपर में यहाँ पे ऐड चलेगा, इस ऐड पर क्लिक करना। ऐड पर क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे सर्च करना है, फ्री VPN, ठीक है। इस टाइप से आपको सर्च कर लेना है, ठीक है। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ स्टेप्स इंटरफेस आ जाएगा जो कि आप इसमें देख पा रहे हो, ऊपर में यहाँ पे ऐड चलेगा, इस ऐड पे क्लिक करना, 10 सेकंड वहाँ पे वेट करना, फिर बैक आना, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ये वाला पोस्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। ये वाला पोस्ट पे मत क्लिक करना, ये वाला पोस्ट ध्यान से देख लो, ठीक है। हाउ टू डाउनलोड एडवांस सर्वर, इस वाले पोस्ट पे क्लिक करना। पोस्ट पे क्लिक करोगे कुछ स्टेप से पोस्ट यहाँ पे ओपन होगा, ओपन होने के बाद यहाँ पे ऐड चलेगा, ठीक है। इस ऐड पे क्लिक कर देना, उसके बाद आपको थोड़ा धीरे धीरे स्क्रॉल करना है, ठीक है। स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे आ जाना है धीरे धीरे, और नीचे आने के बाद यहाँ पे क्लिक घर का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे 30 सेकंड का, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे 30 सेकंड का टाइमिंग चलना स्टार्ट हो जाएगा जो कि आप सिंपल देख पा रहे हो। आपको यहाँ पे 30 सेकंड तक क्या करना है, वेट कर लेना है, ठीक है। और गाइस देखो जैसे यहाँ पे टाइमिंग खत्म होगा आपके सामने देखो यहाँ पे न्यू ऑप्शन मिल जाएगा जो कि आप सिंपल देख सकते हो, जहाँ पे लिखा हुआ डाउनलोड फाइल का ऑप्शन, ठीक है। इस पर क्लिक करना, इस पर क्लिक करते ही आपके फोन के अंदर जो एडवांस सर्वर होगा वो डाउनलोड लेना स्टार्ट हो जाएगा जो कि आप सिंपल देख पा रहे हो। मेरे फोन के अंदर भी यहाँ पे एडवांस सर्वर डाउनलोड लेना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। कुछ देर यहाँ पे वेट करोगे तो आपके फोन के अंदर भी यहाँ पे एडवांस सर्वर डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको फटाफट से डाउनलोड करता हूँ, उसके बाद आपको इंस्टॉल करके भी दिखा देता हूँ। तो फाइनली गाइस यहाँ पे हम लोग का डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है जो कि आप इसमें देख सकते हो। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद गाइस आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, चलो आपको ए टू जेड ऐसे से बता देता हूँ। तो गाइस देखो जैसे डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ नहीं करना है, आप लोग को यहाँ पे स्टेप से इस पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो कुछ स्टेप से यहाँ पे ये इंस्टॉलिंग लेना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके फोन के अंदर पहले से एडवांस सर्वर होगा ना तो आपको यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अगर आपके फोन के अंदर नहीं होगा तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग कुछ नहीं करना, इंस्टॉल पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग इंस्टॉल पर क्लिक करोगे ये यहाँ पे इंस्टॉलिंग लेना स्टार्ट हो जाएगा जो चल सिम पे देख सकते हो। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं, थोड़ा सा मतलब 10 से 15 सेकंड आप लोग को यहाँ पे वेट करना है और यहाँ पे आपके फोन के अंदर जो एडवांस सर्वर है इंस्टॉल हो जाएगा जो चल सिम पे देख सकते हो। कुछ स्टेप से मेरे फोन के अंदर यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, तो आपके फोन के अंदर भी कुछ स्टेप से इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो जिस टाइप से मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ सेम आपको इसी टाइप से इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको डन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस आप लोग कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एडवांस सर्वर को ओपन करना है, ठीक है। जब आप लोग यहाँ पे एडवांस सर्वर को ओपन करोगे तो आपके सामने ना एक प्रॉब्लम देखो मिलेगा, वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, ठीक है।